ओम शांति। बाबा अनेक मुरलियों में हम बच्चों को इशारा करते, महावीर बनो पवन पुत्र हनुमान बनो, हनुमान बनकर उड़ो और उड़ाते रहो, क्योंकि हनुमान का जो गायन है वो आप बच्चों का अभी संगम युग का ही गायन है। आप ही बच्चे एक पिता निराकार परमात्मा राम की याद की लगन में मगन रहकर एक पिता परमात्मा निराकार राम के हर कार्य को सफल करते हो। आप बच्चे भगवान निराकार पिता परमात्मा राम के मददगार बनते हो, जो स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा राम भी तुम बच्चों का गायन करता है। तो ऐसे ही दादी प्रकाशमणि जी ने हम भाई बहनों को विशेष क्लास कराई। दादी कहती, धूल में खेलने के बजाय पवन पुत्र बन सदा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। प्यारे बाबा के, हम सभी कल्प के बिछड़े हुए बच्चे अपने घर में बैठे हैं। कहा जाता, दिन का खोया रात को वापस आ जाए तो उसको खोया हुआ नहीं कहेंगे। यह कहावत भी हमारी ही है, हम बाप को भूले तो आधा कल्प खो गए, माया की गोद में पहुंच गए। बाबा ने हमें गले तक पकड़ रखा है, वैसे जैसे कहते हैं सोने में खाद पड़ती है, ऐसे मुझ सोने में तमो प्रधानता की खाद पड़ गई थी। बाबा ने आ करके हमें फिर से ज्ञान योग की भट्टी में डाला है और खाद निकाल सच्चा सोना बनाया है। हम जो माया के पास खो गए थे, बाबा ने अब इस संगम पर हम खोए हुए बच्चों को फिर से गोदी में बिठाया है और वापस अपने घर ले चल रहा है। इसलिए बाबा हमें मीठे मीठे सिकलदे बच्चे कहता है। हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं जिन्हें स्वयं बाप ने पाला है। वैसे भी कोई गुणवान आत्मा होती है तो सभी को प्यारी होती है, उसके लिए कहते हैं इसे तो स्वयं भगवान ने बैठकर बनाया है। गुणों की सुंदरता को देख कहते हैं इसे तो भगवान ने खास बनाया है। तो हम सभी को स्वयं भगवान ने खास बनाया है। कैसे बनाया? हमारा भाग्य विधाता हमारे तकदीर की लकीरें खींच रहा है, इसलिए हमें अपने भाग्य का गुणगान करना है, भाग्य विधाता की महिमा गानी है। स्वयं भगवान ने स्पेशल हमारे ललाट पर भाग्य की लकीरें खींची हैं, तब तो हम कहते हैं स्वयं भाग्य विधाता हमारी तकदीर की लकीरें खींच रहा है। इसलिए हमें अपने भाग्य का गुणगान करना है, भाग्य विधाता की महिमा गानी है। भाग्य विधाता ने धृत डालकर हमारा दीवा जगाया है, इसलिए जब कोई पूछते क्या तुम्हें निश्चय है कि तुमको भगवान पढ़ाते हैं, तो हम कहते क्या इसमें भी कोई संशय की बात है। अगर कोई पूछते हैं तो माना संशय है, उनके तकदीर की लकीरें अभी तक खींची हुई नहीं है। हम तकदीर जगा कर आए हैं, जगाने की मेहनत नहीं करते, हमारी तकदीर जगी हुई है। हम विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। भक्त कहेंगे हे भगवान मेरी तकदीर अच्छी करना, हम कहते अच्छे से अच्छी, महान से महान, सृष्टि को रोशन करने वाली तकदीर बाबा ने हमारी जगा दी है। ब्राह्मण अगर कहे
हमारी तकदीर जगा कर रखना तो यह संशय है। बाबा हमें मदद करते रहना, क्या बाबा हमें देता नहीं जो मैं मांगती। कहावत भी है, सहज मिले सो दूध बराबर। बाबा ने हमारी दूध बराबर तकदीर बनाई है, हम मांग कर उस दूध को पानी क्यों बनाते। दृढ़ निश्चय वाले कभी कुछ मांग नहीं कर सकते। वह तो ओहो बाबा, वह बाबा के गीत गाएंगे। बाबा कहते हैं रोज अमृत वेले, बच्चों के नाजों का खेल देखता हूं, क्योंकि बच्चे अभी तक बहुत नाज नखरे करते हैं, स्वयं को नीचे बिठाते और बाबा को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं, तभी दूरी का अनुभव होता है। मैं तो बाबा को अपने माथे अपने साथ बिठाती, मैं बाबा के समान बनकर साथ में बैठ जाती। ऐसे नहीं, बाबा आप तो अर्श पर हैं और मैं फर्श पर हूं, यह इतनी दूरी भी क्यों। दूर रहेंगे तो धरनी की धूल आकर्षण करेगी। जब बाबा ने हमें पवन पुत्र बनाकर उड़ना सिखाया, फिर हम धूल में क्यों खेलते, इतनी दूरी क्यों, समान बनकर बाबा के साथ क्यों नहीं बैठ जाते। हम हैं बाबा की सच्ची सच्ची परियां, हमारी बुद्धि धरनी पर क्यों। हम तो धरती के सितारे हैं, हम जग को रोशन करने वाले हैं। ऐसे रोज अमृत वेले अपनी मस्ती की छाप लगाओ, फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा हमारी तकदीर जगा दो। बाबा ने हमें चोटी से पकड़कर निकाला और अपने साथ गद्दी पर बिठाया। हम कोटों में कोई सेलेक्टेड डायमंड है, फिर हम डायमंड कहें अभी मेरे में दाग लगा हुआ है, तो अपनी वैल्यू को हम खुद ही कम क्यों करते। बाबा ने हमें सेलेक्ट किया है, हम बाबा के पास पहुंच गए। दुनिया देख देख चिढ़ती रहे, हम तो बाबा के बन गए, बाबा हमारा बन गया। इसलिए कभी यह नहीं कहो क्या करूं माया आती है। अरे माया आती नहीं है, आप संकल्प करके उसको बुलाते हो। आप नीचे आते हो तो वह पास आती है, वह आती नहीं, तुम्हें छूती नहीं। आप छुट्टी देते हो तो नजदीक आती है। कहते हैं मनसा में आकर्षण होती है, लेकिन माया खाती तो नहीं है, उनको खाने नहीं देना। आवे आकर देखकर चली जावे, आप उसका स्वागत नहीं करना, उनकी पालना नहीं करना। सिर्फ माया खावे नहीं, उसकी संभाल रखना। गेट पर चौकीदार होशियार रखना, जो अंदर आकर नुकसान ना करे। गेट के अंदर आने नहीं देना, बाहर से आए आकर नमस्कार करके चली जाए, हमारा उसमें क्या जाता। ऐसा नहीं कहो माया आती है, वह आती नहीं है, तुम्हारा पेपर लेती है। आप सभी की कमियों को बुराइयों को दूर करने के लिए ही बाबा ने इसका नाम रखा है, राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसी पर भी कोई ग्रहण हो तो उसे स्वाहा करके जाना। क्रोध का काम का जो भी ग्रहण हुआ हुआ हो तो शिव बाबा के मंत्र से उसे प्यार के बल से निकाल कर जाना, फिर माया मासी आएगी ही नहीं। अच्छा तो ऐसे ही हनुमान के समान सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहना, एक बाप की श्रीमत अनुसार कर्म करते, सदा खुशी और नशे में
उड़ते और उड़ाते रहना, यही हम पवन पुत्र हनुमान बच्चों की निशानी है। धूल में खेलने के बजाय पवन पुत्र बन, सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, यही दादी जी की और बाबा की हम बच्चों से विशेष आस है। अच्छा, ऐसे ही और दादियों की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को वीडियो शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।